रायगढ़ जिले के लंबित अपराधों को लेकर एसपी अभिषेक मीना बेहद गंभीर रहे हैं। उनके महत्वपूर्ण दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन पर थाना चौकी प्रभारियों को अनसुलझे मामलों में लगातार सफलताएं मिल रही है। इसी क्रम में एसपी अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन और एडिशनल संजय महादेवा और एसडीओपी धर्मजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में तकनीकी साक्ष्य और उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर 5 साल पुराने अंधे कत्ल के मामले में घरघोड़ा पुलिस ने महिला के हत्यारे को हैदराबाद से हिरासत में लिया और रायगढ़ लाया। गवाहों के सामने क्राइम सीन रिक्रिएट कराया। आरोपी से घटना में प्रयुक्त हथियार और अन्य अहम साक्ष्यों की जब्ती कर आरोपी को हत्या और हत्या के साक्ष्य छिपाने के अपराध में गिरफ्तार किया गया, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आरोपी के मेमोरेंडम पर चाकू और अन्य साक्ष्य जब्त किए गए। एसपी मीना और एएसपी संजय महादेवा के मार्गदर्शन और एसडीओपी धर्मजयगढ़ दीपक मिश्रा के सुपरविजन पर अंधे कत्ल के पटाक्षेप में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बेस की सराहनीय भूमिका रही। सफलता मिली सर, किस तरह से पूरी कार्रवाई रही, कहां से आरोपी को पकड़ा है, कितना पुराना है मामला? जी, ये मामला मूलतः 2017 का है। अक्टूबर 2017 की ये घटना थी। 23 अक्टूबर को हमें जानकारी मिली थी कि एक महिला का शव कसैया डीपा पुल के पास में हॉस्पिटल रोड घरघोड़ा क्षेत्र में एक मिला था। तत्कालिक जो थाना प्रभारी थे, जो टीम थी, वो उस समय मौके पर गई थी। उस टीम ने वहाँ पर पंचनामा कार्रवाई की थी। उस समय तत्कालिक शिनाख्ती उसकी नहीं हो पाई थी। बाद में पतासाजी करने पर एक टेंडा नवापारा की महिला ने उसकी शिनाख्ती की और बताया कि इस लड़की का नाम काजल महतो है। ये अपने एक अन्य साथी के साथ में, एक अन्य युवक के साथ में उसी के घर में किराए से रहती थी, जो कि छठ पूजा के नाम से ये लोग निकले थे और बाद में ये लड़की का शव मिला। उस समय पर गला रेत कर की गई इस हत्या में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा इत्यादि के आधार पर हत्या का अपराध तत्कालिक दर्ज किया गया था। जो फरार लड़का था, इसकी पतासाजी की गई, क्योंकि यही सबसे मुख्य संदेही था। पतासाजी का प्रयास इसमें लगातार चल रहा था। अभी वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पिछले कुछ समय से जितने पुराने प्रकरण हैं उनको निकाल करने को लेकर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। साइबर सेल को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। इसी क्रम में थाना प्रभारी घरघोड़ा हर्षवर्धन सिंह बैस ने अपनी टीम के साथ में हैदराबाद से उस आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। इसमें आरोपी को पूर्व में भी हमने प्रयास किया था अलग अलग टीमों ने, पर यह चूंकि अपना लोकेशन बदलता रहता था, मोबाइल नंबर बदलता रहता था, इस वजह से इसमें पूर्व में ये पकड़ में नहीं आया था। आरोपी मूलतः कहाँ का है? आरोपी मूलतः बिहार का रहने वाला है। इसको पहले भी लोकेट करने का प्रयास किया गया था। एक बार डाल्टनगंज में भी टीम लगभग करीब इसके पहुंच गई थी, पर समहाउ वहां का स्थानीय होने का फायदा उठाकर ये भागने में सफल हुआ था। इस बार हत्या करने का जो कारण इसके द्वारा हमें बताया गया, जो लड़की काजल थी इसके साथ इसका प्रेम प्रसंग था। ये दोनों यहाँ पर रेलवे लाइन में काम करते थे। छठ के दौरान ये घर जा रहा था। लड़की जिद कर रही थी काजल महतो की, मैं भी जाना चाहती हूँ। ये चूंकि पूर्व से शादीशुदा था, इस वजह से ये इस बात में परेशान था, इस बात को लेकर कि लड़की जिद कर रही है। इसलिए इसने सोचे समझे तरीके से अपने बाहरी होने का फायदा उठाया, लड़की का गला रेत कर ये भाग गया था। सर, इसमें इनकी दोनों की मुलाकात कैसे हुई? सर, ये परिचय कैसे हुआ, क्योंकि लड़का झारखंड? इनका परिचय मूलतः ये मजदूरी का काम दोनों करते थे यहाँ पर रेलवे लाइन में। उसी दौरान इनका परिचय हुआ था और ये दोनों साथ रहने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट।